बेसिक शिक्षा विभाग अब उन स्कूलों की सूची तैयार कर रहा है जिस स्कूलों में समस्याएं अभी तक बनी हुई हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार का ये कहना है कि जनपद के सभी बेसिक स्कूलों की सूची तैयार की जा रही है और उनमें ये देखा जा रहा है कहाँ पर क्या कमी है, शिक्षकों की कमियों को भी दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। मुरादाबाद के बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर अब बेसिक शिक्षा विभाग काम कर रहा है। मुरादाबाद जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुरादाबाद के सभी बेसिक स्कूलों में सुविधाएं भरपूर हों और शिक्षकों की कमियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर रणनीति तैयार कर ली गई है और विद्यालय में निरीक्षण भी किया जा रहा है। विद्यालय में जो भी कमी होगी उसे समय रहते दूर कर लिया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार ने कहा कि सभी विद्यालयों की सूची तैयार की जा रही है और विद्यालय में शिक्षा का माहौल देने के साथ सुविधाएं भी भरपूर दी जाएंगी। जी, पिछली बार से यहाँ पे विद्यालय में काफ़ी सुधार हुआ है। अभी जैसे सबसे बड़ी समस्या होती है शिक्षकों की कमी है विद्यालय में, तो उसके लिए समायोजन चल रहा है। 15 जुलाई तक जहाँ पर कम शिक्षक हैं तो वहाँ पर हम शिक्षक भेज रहे हैं। इसके साथ साथ विद्यालय में साफ सफाई, अगर वहाँ पे कुछ रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो उसका काम चल रहा है। और भी ऐसे जो भी चीज़ है जो जहाँ पे सुधार की आवश्यकता है उसके लिए काम चल रहा है। बरसात का समय चल रहा है, कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो जर्जर हालत में हैं, तो उनका निरीक्षण कर रहे हैं आप और क्या देखें? हाँ, मैंने इसके लिए पहले ही आदेश जारी किया है, जर्जर भवन में बच्चों को कदापि ना बैठाएं, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले है। और जहाँ पर जर्जर भवन है तो वहाँ उसके लिए हमने शासन को प्रस्ताव भेजा है, जैसे ही पैसा आ जाता है उनकी मरम्मत की जाएगी। और शासन की नीतियों को लेकर क्या काम कर रहे हैं शिक्षा? शासन की नीतियों के लेकर ही हम काम कर रहे हैं। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत यहाँ पर जनपद में जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर और न्याय पंचायत और विद्यालय स्तर पर शिक्षा की जागरूकता लाने का प्रयास हो रहा है। नामांकन का वृद्धि हो रही है और निःशुल्क पाठ पुस्तक, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे बंटवा रहे हैं। कोई अपील करना चाहेंगे जो बच्चों, जो शिक्षा से वंचित हैं बच्चे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि अब हमारे प्रसिद्ध विद्यालयों की तस्वीर बदल गई है। आप हमारे अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में भेजें।